राजनीति बहुत है हर लाइन में है तो गाना गा देते हैं शूटिंग हो जाता है उसके बाद भी वोकल चेंज हो जाता है क्या करिएगा भोजपुरी दो जातों में बढ़ चुका है नाम लेने की जरूरत तो नहीं है सभी को पता है जो देख रहे हैं कोई चाहता नहीं कि हम अश्लील गायें जातिवाद गायें ऑडियंस बढ़ावा देती है ऑडियंस सुनती है अगर ऑडियंस ना सुने तो कोई नहीं गाएगा मेरे पास खुद ऐसे ऐसे कई गाने आए हैं गाने के बोल ऐसे ऐसे कि मैं बोल नहीं सकती हूँ जिसको मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं गा सकती गाने बता देते फिर भी कि की बर, हमरे हमरेबरा के साइज भगवान ले रहे हैं अब उसी का आटा के लो या हिरान टोई पांच मिलियन ऑडियो क्रॉस है तीन मिलियन उसका वीडियो जाने वाला है बताइए लेकिन व्यू तो लोग देखते हैं लेकिन नीचे कमेंट्स नहीं पड़ते हैं उसी गाने के नीचे बहुत मां बहन की गालियां भी पड़ती हैं आपको पता है भोजपुरी है तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि मिनट में चेंज होता है सर नाम नहीं ले सकते सर कंट्रोवर्सी हो जाएगा ज्यादा थोड़ा विवाद नहीं कर सकते हुआ है लेकिन अभी उनका नाम नहीं ले सकते पहले तो तीन तीन चार चार घंटा गवा के मेरे से स्टार नहीं वैसे कुछ लोग हैं तीन तीन चार चार घंटा गवाने के बाद नाम नहीं डालते थे मेरा दूसरे फीमेल सिंगर जो मार्केट में चल रही थी उनका नाम डाल देना उनका फोटो डाल देना बड़ा दुख लगता था बहुत रोई भी मैं, कि भाई चार चार घंटे में गाई हूँ नाम के लिए आदमी मरता है और पेमेंट भी नहीं देना आ, सब जिला खाली भोकेला हमारा जिला सीधा ठोकेला आटा के लोई के ठोई तो उसमें भी उनका उनके साथ गाना आया था मेरा की तोहराटा के लोई हिरान टोई आटा के लोही हिरा टोई इसमें तो खाली हिरान टो रहा इसका मतलब क्या बोल सकते हैं मतलब अब आपको पता है अब कि बोलूंगी तो भी बाद में गिर जाएगा इंसान आपको क्या लगता है इस टाइप का कि सिर्फ ईरान टोएगा ये लोई फलाना लोई इस तरीके के गाने कहीं ना कहीं आपकी इमेज या फिर भोजपुरी की इमेज को कम करते हैं या नहीं करते है? आप क्या सोचती हैं इसके बारे में अरे तो हरे के दुल्हा तो जानू जानू हो हो जे जतिया नमस्कार जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है चर्चा में और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए एक बहुत ही सुंदर अच्छी और जितना अच्छी दिखती है उतनी अच्छी इनकी आवाज है इनका नाम है प्रीति राय तो आइए इनके साथ चर्चा करते हैं नमस्कार मैम हर हर महादेव प्रणाम आप सभी को जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं और चर्चा न्यूज के जितने भी दर्शक हैं आप सभी को मेरी तरफ से हर महादेव प्रणाम भोजपुरी के सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले हालांकि उनके साथ शायद आपका प्रोजेक्ट नहीं आया लेकिन हमें खबर मिली है कि उनके साथ आपका कोई गाना आ रहा है जी सर बहुत जल्द आप सबको कुछ अलग सुनने को मिलेगा लेकिन आपको पता है भोजपुरी है तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि मिनट में चेंज होता है सब जब तक आ ना जाए मार्केट में तब तक खुलासा नहीं कर सकते हैं। गाना गाने के बाद भी क्या ऐसा होता है कि फीमेल सिंगर की वोकल गायब कर दिया जाता है बहुत बार सर आपका हुआ है <laughs> हुआ है सर आपका ऐसे हुआ है जी सर किसके साथ में किसके साथ गाया था वोकल गाया नाम गाया? नहीं ले सकते सर कंट्रोवर्सी हो जाएगा ज्यादा थोड़ा विवाद नहीं कर सकते हुआ है लेकिन अभी उनका नाम नहीं ले सकते जैसे अनुपमा यादव के साथ हुआ था उसी टाइप का आपके साथ भी हुआ था अनु पुदीना टू गाया था फिर उनकी वोकल गायब हो वो गया था उनका जी गाना गाया है कई बार क्या होता है कि राजनीति बहुत है हर लाइन में है तो गाना गा देते हैं शूटिंग हो जाता है उसके बाद भी वोकल चेंज हो जाता है क्या करिएगा तो पैसे मिलते हैं आप लोगों को नहीं मिलते पैसे भी लेते ले हैं जी 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 पैसे मिलते हैं जी जी लेकिन भोकल नहीं देते हैं जी। तो ऐसा आप लोगों के साथ कई बार होता है या कभी कदम फेस किया है आपने होता रहता है सर मैंने तो बहुत कुछ फेस किया है पहले बनारस रहती थी मैं पहले तो तीन तीन चार चार घंटा गवा के मेरे से स्टार नहीं वैसे कुछ लोग हैं तीन तीन चार चार घंटा गवाने के बाद नाम नहीं डालते थे मेरा दूसरे फीमेल सिंगर जो मार्केट में चल रही थी उनका नाम डाल देना उनका फोटो डाल देना वोकल आपका था आ, बड़ा दुख लगता था बहुत रोही भी हूँ मैं कि भाई चार चार घंटे मैं गाई हूँ नाम के लिए आदमी मरता है और पेमेंट भी नहीं देना और उसके बावजूद नाम भी नहीं डालना बहुत बोला भी मैंने की भैया ऐसे मत करिए नाम के लिए इतने दूर आके रह रहा इंसान मेहनत कर रहा ऐसा है ऐसा क्यों करते हैं वैसे तो मैम ये आपके साथ ही नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आप ये हम जानते ही हैं ऐसा कुछ लोगों के साथ हो रहा है लेकिन बॉलीवुड में जो कि रैपर भी हैं बहुत अच्छी गायिका भी हैं आप जानती होंगी नेहा कक्कड़ जी उन्हें भी ऐसे कई बार फेस करना पड़ा है उनके भी रिकॉर्डिंग होने के बाद उनका वोकल हटा दिया गया लेकिन आज वो कहाँ पे है तो हमें लगता है कि आप भी बहुत आगे जाएंगी जैसे अनुपमा यादव अभी स्टेज के माध्यम से धमाल मचाती है मैम मैं जानना चाहूंगा अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके किसके सिंगर के साथ में आ रहे हैं डुएट सॉन्ग प्रमोद जी के साथ आ रहा है अभी देखिए बात चल रहा है बाकी और भी जो स्टार लोग हैं उनके साथ बहुत जल्द सुनने को मिलेगा अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो दर्शक का प्यार रहा तो अभी आपका कौन सा डुएट गाना है जो ज्यादा मार्केट पे वायरल हो रहा है सबसे ज्यादा इस समय हाँ, अभी टुन्टुन जी के साथ गाना आया था मेरा तोहरे के कनिया बनाईती है धनिया हो काफी रील भी बन रहा है और मिलियन क्रॉस भी हो चुका है एक आप लाइन जो आपकी लाइन है जरा प्लीज हाँ, जरूर सर क्यों नहीं हाँ। तोहरे के दूल्हा बनाई ती मजन हो अरे तो हरे के दुल्हा बना तेम जनु आजिया तो जे आ हो है जानू टुनटुन यादव के साथ अच्छा उनका एक और गाना है सब जिला खाली भोकेला हमारा जिला सीधा ठोकेला और एक और गाना था पवन जी का आया था गाना बड़ा अच्छा आटा के लोई तो भी उनका उनके साथ गाना आया था मेरा की तोह के लो या काफी सारा बैक टू बैक गाना आ रहा है अच्छा मैम जैसे की दो गाने का नाम लिया की हमारे जिला बाकी जिला भोकेला ऐसा नहीं लगता की आपको इस तरीके से दूसरे जिला दूसरे गाँव का इंसल्ट करना होता है गाने के माध्यम से नहीं नहीं सर ऐसा क्या है मैं फीमेल सिंगर हूँ और जो गाना आता है सामने से किसको गाना है, तो गाना पड़ता है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें किसी जिला का नाम लिया गया है एक होता है ना पर्टिकुलरली कि किसी जिला का या किसी शहर का नाम लिया होता है ऐसा कुछ नहीं है अच्छा आटा के लोही अहिंटो तो, इसमें तो खाली अहिरान टो तो इसका मतलब क्या, हुआ? <laughs> हुआ? <laughs> क्या बोल सकते हैं मतलब अब आपको पता है अब... बोलूंगी तो भी बाद में गिर जाएगा इंसान नहीं मैं देखिए ऑडियंस उसी को पसंद करती है जो क्लियर अपनी बातों को रखता है जैसे कि अभी आपने बोला कि मैं विवाद नहीं कराना चाहती नाम नहीं लेना चाहती किसने मेरा वोकल गायब किया ऑडियंस उसी के साथ खड़ी रहती है जो सच के साथ रहता है आपको क्या लगता है इस टाइप का की सिर्फ ईरान टोएगा ये लोई फलाना डोई इस तरीके के गाने कहीं ना कहीं आपकी इमेज या फिर भोजपुरी की इमेज को कम करते हैं या नहीं करते आप क्या सोचती है इसके बारे में मैं बता रही हूँ सर क्या है आज के समय में मुझे लगता है देखने से आप, आप भी बताइएगा अगर मैं गलत होंगी तो भोजपुरी दो जातों में बढ़ चुका है नाम लेने की जरूरत तो नहीं है सभी को पता है जो देख रहे हैं यादव राजपूत बिल्कुल तो वो अपना दौड़ में है वो अपना दौड़ में है बांटने तो। का श्रेय किसको जाता है किसने बांटा भोजपुरी की इस दो जात में बताने की जरूरत नहीं है सबको पता है और क्या बात है कि ये ऑडियंस जो होता है ना जो कलाकार कोई चाहता नहीं कि हम अश्लील गायें जातिवाद गाय ऑडियंस बढ़ावा देती है ऑडियंस सुनती है अगर ऑडियंस ना सुने तो कोई नहीं गाएगा अभी अच्छे अच्छे गाने उठा लीजिए उसके व्यू नहीं आते हैं अभी अश्लील गाय देखिये मिलियन मिलियन पार है अब उसी का आटा के लो या हिरान टोई पांच मिलियन ऑडियो क्रॉस है तीन मिलियन उसका वीडियो जाने वाला है बताइए लेकिन व्यू तो लोग देखते हैं लेकिन नीचे कॉमेंट्स नहीं पड़ते हैं उसी गाने के नीचे बहुत मां बहन की गालियां भी पड़ती है बहुत लोग गालियां भी देते हैं तो उस कमेंट को इग्नोर करके सिर्फ व्यू क्यों देखते हैं डॉलर क्यों देखते हैं मैं बता रही हूँ सर जो गालियां देते हैं वही लोग बजाते हैं गाने अगर देखा जाए जो लोग गालियां कमेंट करते हैं वही लोग उसको बढ़ावा देते हैं वही उसको बजाते हैं वही सुनते हैं अगर वो ना बढ़ावा दे ना सुने इग्नोर करे तो कोई नहीं गाएगा अभी प्रशासन बिहार का प्रशासन बहुत जागरूक हो गया और अभी जो कांड हुआ था एक राजपूत यादव का बहुत नरसंहार हुआ तो उसमें एक्शन लेते हुए उन्होंने कहा कि जाति विशेष पर अगर कोई भी सिंगर गाना गाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और सिर्फ सिंगर पे ही नहीं राइटर।, आ, राइटर पे भी और जो कंपनी इसे रिलीज करेगी उस पर भी एक्शन लिया जाएगा तो क्या लगता है कि प्रशासन की इस पहल के बाद जातिवाद पे जो गाने आते हैं वो रुकेंगे या फिर नहीं रुकेंगे चलता रहेगा वो तो देखने, आगे देखने को मिलेगा सर वैसे नहीं होना चाहिए ऐसा क्योंकि सब एक है राजपूत भी है भूमिहार भी है यादव भी है क्योंकि राजपूत के गाने यादव लोग भी सुनते हैं यादव लोग के गाने राजपूत लोग भी सुनते हैं बहुत जगह गाने बजने को देखते हैं हम लोग शादी ब्याह में फंक्शन में सारे गाने बजते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि अगर हम यादव हैं तो हमारे घर शादी है तो सिर्फ यादव वाला भा बजेगा हम राजपूत है तो हमारे घर सिर्फ राजपूत बजेगा लेकिन जो हम रास्ते से गुजरेंगे तो यहाँ मान लीजिए यादव की शादी है, है तो ठाकुर भी मिलेंगे राजपूत भी सब, मिलेंगे तब तो लड़ाई होगी ना बिल्कुल वहाँ लड़ते नहीं है वहाँ नहीं लड़ता कोई वहाँ सब नाचते हैं लेकिन कमेंट में देखिएगा तो चालू हो जाते हैं लोग इसमें यही है कि अश्लील गाँव आगे बढ़ जाओ यही है आदमी सो, सोचने नहीं गाते हुए भी सोचने में मजबूर हो जाता है क्या है मेरे पास खुद ऐसे ऐसे कई गाने आए हैं गाने के बोल ऐसे ऐसे कि मैं बोल नहीं सकती हूँ जिसको मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं गा सकती नहीं। गाने बता दे थे फिर भी Please. कि हमरे बर, हमरे के साइज भगवान ले रहे हैं ऐसे ऐसे गाने और नाम नहीं लूंगी कि किसका गाना क्या है और मैंने मना कर दिया कि भाई मैं ये नहीं गा सकती हूँ इतना चलो गा रहे भोजपुरी कहते हैं लोग की डबल मीनिंग है इतना भी नहीं की आप ओपनली गाइए यहाँ तो हनुमान और वीर हनुमान को छोड़ के ढोड़ी प्रणाम भी कर रहे हैं लोग इतना मत ओपनली गाइए तो मैंने मना कर दिया लेकिन फिर दूसरी सिंगर ने गाया तो यही होता है अच्छा, मैं आपका छोड़ा हुआ फिर दूसरे गाया रिलीज है आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं गाया अच्छा तो ऐसे है बहुत लोग क्या करेंगे। चलिए वैसे आप जिस सिंगर का नाम नहीं बता रही थी अब ऑडियंस को पता चल जाएगा वो देख ही लेंगे <laughs> नहीं अच्छा है क्या किसी के माध्यम से कोई भी हो क्या कह सकते हैं